हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझते हैं फासिज्म को। फासिज्म क्या होता है? देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी फासिज्म की, इटली में हुई थी। एक बात और मैं बता दूं, हम कई सारे जो वर्ड्स हैं इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। जैसे फासिज्म है, एक ही इसी तरीके का होता है नाजिज्म, है ना। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं फासिज्म, अ सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप आप इसको कह सकते हो, है ना। नाजिज्म भी डिक्टेटरशिप है और फासिज्म भी, लेकिन इनमें डिफरेंशिएशन है, राइट। देखिए, ये कहाँ पे शुरू हुआ? ये हुआ इटली में। ये किसी ने, बेनिटो मसोलोनी ने इसको स्टार्ट किया था। ये एक तरीके का सोशलिज्म है विद ए कैपिटलिस्ट वेनियर। वेनियर का मतलब होता है दिखावा, आप मास्क लगा के रखो उसके ऊपर। और देखिए, ये जो वर्ड्स हैं मैं इनको भी समझाऊंगी, व्हाट इज़ सोशलिज्म, है ना, व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, व्हाट इज़ कम्युनिस्ट कम्युनिज्म, इन सब चीज़ों को भी मैं इनके एक वीडियो बनाऊंगी छोटे छोटे। सोशलिज्म मतलब एक तरीके से समाजवाद, सबका सबके लिए, है ना। बात तो यहाँ पे इस चीज़ की होती है, लेकिन यहाँ पे कैपिटलिस्ट वेनियर का मतलब होता है दिखावा, कि हाँ स्टेट जो है फंक्शन कर रहा है, सोशलिज्म है, लेकिन उसके साथ में क्या है, इंडस्ट्रीज, और हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, मतलब आधुनिकता की एक तरीके से आप कह सकते हैं, राइट। इट टुक लाइक आज के समय का चाइना। अब आप देख लीजिए, डिक्टेटरशिप है ना, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं। देखिए, इट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम सोर्सेज एज एंशियंट एज द स्पार्टन्स। स्पार्टा मतलब एक तरह से ग्रीस, आप कह सकते, ग्रीस का एक टाउन था, सिटी, फॉर देयर फोकस ऑन नेशनल प्योरिटी। यहाँ पे बात है नेशनल प्योरिटी की। फासिज्म जो है ना, इसमें नेशन की बात होती है, और कट्टर मतलब थम्पिंग चेस्ट उस टाइप के नेशन की, एंड देयर एम्फेसिस ऑन रूल बाय एन एलीट माइनॉरिटी। लेकिन यहाँ पे इस बात पे भी बल दिया जाता है कि मतलब एक तरह से खून की पवित्रता, एलीट होते हैं अरिस्टोक्रेट, है ना, मतलब कुछ संभ्रांत परिवार, जैसे कि हम अपने भारत की बात करें तो जैसे जमींदार, ये बन गया है कि जमींदार एलीट है ना, जैसे नवाब, वो बन गया है, वो एलीट है। उसकी हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो हम लोगों को सिर्फ गंध मिलेगा। गंध का मतलब यहाँ पे सड़हांत से मैं कह रही हूँ, है ना, क्योंकि नवाब या ये जो जमींदार, ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जो इनके पिछलग्गू होते थे अंग्रेजों के, है ना, उनको ये बना दिया जाता था। और आज के समय में जैसे कि हम लोग बॉलीवुड में बोलते हैं पटौदी, एक जो है पटौदी, एक छोटी सी, वो रियास, वो कुछ नहीं है, वो बस एक उनका एक घर बना हुआ है वहाँ पे, और नथिंग, वहाँ पे कुछ नहीं है, है ना, इस तरीके से है। तो ये क्या है, एलीट। यहाँ पे राजा या महाराजा की बात नहीं है, वो एक अलग चीज़ होती है, वो एक अलग है स्टेटस, यहाँ पे एलीट है। एलीट का मतलब जो उनके आसपास के जो लोग होंगे। तो हम अपने भारत की बात करें तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। इसी तरीके से बात है यहाँ पे इटली की। तो इटली में जो संभ्रांत परिवार होते होंगे, उनका राज, है ना, वो क्या होगा, वो इसमें शामिल होंगे फासिज्म के अंदर, करेक्ट। इट्स इंटेंडेड टू वर्शिप द स्टेट। यहाँ पे बहुत कट्टर एक तरीके से राष्ट्रवाद की बात होती है ना। लेकिन देखिए एक बात क्या है, राष्ट्रवाद के साथ में पीछे से क्या आ जाता है, पीछे से अपने परिवार की सुरक्षा आ जाती है ना। ये आप ये कह सकते हो कि भारत के अंदर जो पार्टी सिस्टम है, और पार्टी सिस्टम के साथ में जो एक उसका ड्रॉबैक आता है, पार्टी का रूल, लेकिन उसके साथ में जो पार्टी है वो एक परिवार तक सीमित रह जाती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनसे हम समझ सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या, इंटेंडेड टू वर्शिप द स्टेट। इंटेंड, यहाँ पे वर्ड का यूज़ हुआ है इंटेंडेड, करेक्ट। इन फैक्ट इट वॉज एन एक्सट्रीम फॉर्म स्टेटिज्म। यहाँ लोगों की मतलब एक तरह से कट्टर राष्ट्रवाद कहा जाता है, इंटेंशन, राइट। उसके बाद आता है इट रिक्रूटेड, इन्होंने भर्ती की थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक शर्ट्स। देखिए, ये भी ऐसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ब्लैक शर्ट जो है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है फासिज्म से, राइट। टू ब्रेक अप स्ट्राइक्स, है ना, इन्होंने इस तरीके की ये चीज़ें यूज़ करी, ठीक है, जो कि स्ट्राइक होती थी उनको, स्ट्राइक्स को तोड़ने के लिए, एंड टेररराइज कम्युनिस्ट, क्योंकि कम्युनिस्ट और ये जो ट्रेड जो ये होता है ना, यूनियनबाजी, एक तरह से कम्युनिस्ट वगैरह लोग ज़्यादा करते हैं, है ना, तो इनको एक तरह से डराने के लिए, एट द बीहेस्ट, बीहेस्ट का मतलब होता है एक तरह से आज्ञा लेके, एट द बीहेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स, करेक्ट है। तो अब इसका लब्ब लुबाब क्या हुआ, इसका हमने समझा क्या, इसका हमने समझा ये कि एक तरीके से शासन ये है दिखाना कि ये लोगों के हित के लिए काम कर रहा है, लेकिन पीछे से हाथ होता है किसका, इंडस्ट्रियलिस्ट का, और जो उस समय के संभ्रांत लोग होते थे, एलीट होते थे, उनका ये शासन चलता था, और एक तरह से कट्टर राष्ट्र की बात होती थी कि हम देश को एक तरह से आगे लेके जाएंगे, करेक्ट है। तो ये स्टार्ट किया था बेनिटो मसोलिनी ने। तो ये है फासिज्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।